आज के दिन मार्केट में आप कुछ भी करने, मार्केट का जो सिनेरियो दिख रहा है, मार्केट बुलिश मूव नहीं देगी। जो मार्केट अपना सिनेरियो दिखा रही है, मार्केट का ज्यादा चांसेस आज के दिन जो है वो बेरिश मूव के हैं। अच्छा, बेरिश कितना आएगा, क्या आएगा, और न्यूज पे हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, न्यूज आपके सामने है। न्यूज पे आप देखिएगा डेटा क्या आया, डेटा स्ट्रांग आया या डेटा वीक आया, उस हिसाब से जो है आप गोल्ड में, बाकी दीगर पेयर्स में जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजाद हुसैन, कैसे हैं सब लोग। अच्छा जी, तो सबसे पहले मार्केट की तरफ आते हैं। तो मार्केट ने अभी यहाँ पे सिनेरियो दिखाया है कि मार्केट ने तकरीबन 48 का अभी जो मिडिल छोटा एरिया था, वो एरिया प्राइस ब्रेक कर दिया है, और फिर प्राइस अभी 20-40 तक मुझे बेयरिश दिख रही है। वहां से प्राइस यहाँ तक तो तकरीबन 70 पे और प्राइस बेयरिश आएगी। फिर यहाँ पे अगर कोई इंडिकेशन देती है तो हम यहाँ से एक बाइंग देख सकते हैं, और अगर ये वाला एरिया 30 पे से ब्रेक कर दिया तो फिर प्राइस जो है वो मजीद बेयरिश ही जाएगी। अच्छा, जीवन में क्या सिनेरियो चल रहा है? जीवन में तो प्राइस ने इतना कोई खास ऐसा सिनेरियो बनाया नहीं है कि प्राइस को हम बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश देखें। प्राइस को हम रेंज देख सकते हैं, विच इज अराउंड 20-30 to 20-50, मतलब 200 रुपए की रेंज के अंदर देख सकते हैं जीवन को हम। और वीकॉन को हम कितना देख सकते हैं? वीकॉन को हम देख सकते हैं 2010 से लेकर 2070 के दरमियान, मतलब यही जो प्रीवियस हमारी कैंडल थी, इस कैंडल की रेंज में ही वीकॉन को हम देख सकते हैं। मंथली को हम कहाँ से कहाँ तक देख सकते हैं? मंथली में तो प्रीवियस जो कैंडल थी उसने हमें बुलिश दिखाया था। अभी जो कैंडल चल रही है इसमें भी तकरीबन अभी कोई 14 दिन है और है मंथली का क्लोज होने के, तो तकरीबन ये कैंडल दिखा रही है कि ये भी हमें बुलिश में क्लोज करके ही बंद होगी। तकरीबन 2090 तक, इस महीने की एंडिंग 2090, 2080, 2070 तक की दिख रही है एज पर मंथली कैंडल। 4 वीक का सिनेरियो है, 4 के हिसाब से भी प्राइस जो है वो अभी तो प्राइस बेयरिश दिखा रही है। H4, H1, M30, M15, M5, ये शॉर्ट टाइम फ्रेम जो है ये हमें तो 40 तक की सेल दिखा रहे हैं। चलिए, तो हो गया गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम ऑयल पे, ऑयल का क्या सिनेरियो रहा है। कल बैंक ऑन डे था जिसकी वजह से काफी पेयर जो है जहाँ रुके हुए थे ऑयल का। मैंने आपको सेलिंग का बोला था, ऑयल ने एक सेलिंग का मूव भी दिया आपको, और बहुत अच्छा सेलिंग का मूव दिया। बाय में ऑयल आएगा लेकिन एक टाइम लेके आएगा, 80 to 90 डॉलर फी बैरल तक ऑयल ने आना है बाय में, लेकिन अभी नहीं। तो ऑयल आएगा लेकिन इस महीने के एंड में, यस अगले महीने ऑयल जो है आपको 80 डॉलर फी बैरल तक आपको दिख सकता है। अच्छा, फिर हम आते हैं इसके बाद बिटकॉइन में। बिटकॉइन अपना बिटकॉइन एरिया टेस्ट करने के बाद जो रेंज थी, इसके बाद बिटकॉइन ने थोड़ा सा फॉल हुआ था, अभी टेस्टिंग कर रहा है। अच्छा, बिटकॉइन का क्या सिनेरियो बन सकता है, बिटकॉइन को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं? देखिए, बिटकॉइन अभी 2024 के क्वार्टर तक तो बिटकॉइन जो है वो आपका 30,000 से ऊपर ही रहेगा। एक डाउन स्पाइक आ सकती है बिटकॉइन की, लेकिन वो डाउन स्पाइक अभी नहीं आएगी। डाउन स्पाइक आएगी एक हाई मारने के बाद। तकरीबन बिटकॉइन ने इस साल 55,000 का एक हाई बनाना है, उसके बाद वहां से बिटकॉइन जो है अच्छा खासा फॉल होगा। तो आप सबको मैं बता दूं, जब बिटकॉइन 55,000 पे आए तो तब आप सेलिंग के लिए एक्टिव रहिएगा, और हमारा स्टॉप जो होगा, हमारा स्टॉप होगा 65 का, सही है, 10,000 पिप का हमारा स्टॉप होगा, लेकिन हमारा टेक प्रॉफिट होगा तकरीबन 25 का, सही है, हमारा तकरीबन 25 से 30 हज़ार पिप्स का टेक प्रॉफिट होगा, और हमारा स्टॉप लॉस 10,000 पिप का होगा बिटकॉइन का। फिर हम आ जाते हैं पाउंड में। पाउंड का सिनेरियो, पाउंड वीक हो रहा है, और पाउंड के मैंने आपको ये एरियाज कल की वीडियो में बताए थे। ये दो एरियाज हैं, दो एरियाज जिस भी साइड ब्रेक होंगे, दो एरियाज में से डाउन साइड वाला एरिया ब्रेक हुआ, और यहाँ से आपको बड़ी जबरदस्त पाउंड की ट्रेड मिली, जो कि आपकी कितने पिप्स चल रही है, जो कि आपकी 68 पिप्स पॉजिटिव चल रही है। तो ये मजीद ही नीचे वाले एरिया तक इसको आना है, प्राइस को तकरीबन 40 पिप और पाउंड को फॉल होना है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं यूएसडी जेपीवाई में। तो यूएसडी जेपीवाई का मैंने आपको बताया था, इसका सिनेरियो तो स्ट्रॉन्ग बुलिश ही है, और बुलिश ही रहेगा ये मजीद। और थोड़ा इसमें अगर हम D1 में देखें तो D1 में भी मजीद ये रेड वाले एरिया तक आएगा, 147.152 तक का ये एरिया है, यहाँ तक तो ये बाइंग में आएगा ही आएगा, ये इसकी पहली पुल बैक एरिया बनता है। अच्छा, उसके बाद फिर हम आते हैं यूएसडी कैट में। यूएसडी कैट की मैंने आपको बाइंग बताई थी कि इसकी बाइंग अच्छी बन सकती है। फिर कल के दिन ये रेंज था, थोड़ी बहुत जैसे ही रेंज ब्रेकआउट करी तो इसने वो यही वाला एरिया आपका टेस्ट करा जो मैंने एरिया आपको लाके दिया था, 1.34940 का। अच्छा, ये मजीद अभी डॉलर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये अभी थोड़ा और ऊपर जा रहा है, और चांसेस इसके हैं कि अपने ऊपर वाले एरिया तक जाएगा अगर डॉलर और मजीद स्ट्रॉन्ग होता रहेगा तो। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं यूएसडी एयूडीयूएसडी में। तो एयूडीयूएसडी का मैंने आपको यहाँ से सेल बताई थी, यहाँ से सेल बताई थी, एरिया हमारा ये था कि एयूडीयूएसडी ने यहाँ तक आना है, जो कि बनता है 0.66612 तक का, और ये एरिया भी अभी ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, ये एरिया रिस्पेक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है। प्राइस नीचे आने का सिनेरियो बना रही है 0.65753 तक, तो प्राइस यहाँ तक आपकी और मजीद सेलिंग में हो सकती है एयूडीयूएसडी में। फिर हम आते हैं सिल्वर में। सिल्वर भी गोल्ड की तरह फॉल हुआ, जिस तरीके से आप गोल्ड पे ट्रेड करते हैं उसी तरीके से आप सिल्वर में भी ट्रेड कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं यूएस 30 में, डाउ जोन्स में। तो डाउ जोन्स उसी एरिया में रेंज करता रहा, जो एरिया मैंने आपको कल के दिन लगा के दे दिया था, ये एरिया जब भी जिस साइड भी ब्रेक होगा उस साइड पर आप ट्रेड लेंगे तो आपको एक अच्छा बेनिफिट होगा। मैं आपको रिकमेंड ये करता हूँ कि आप जब प्राइस 37241 से नीचे आए तो आप फिर सेलिंग साइड देखिएगा, तो आपके लिए अच्छी ट्रेड मिलेगी आपको। बाकी फिर हम आ जाते हैं यूरो एसडी में। यूरो एसडी भी वीक होता गया, आपको रेंज बना के दे दी थी, उस रेंज का ब्रेकआउट के बाद टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग के बाद कितने प्रॉफिट में आए ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्रेकआउट के बाद तकरीबन कोई 25
इस पे आपकी प्रॉफिट में आए, ये भी एक अच्छी ट्रेड थी, अगर आप जिस जैसे ली होगी उसने अच्छा प्रॉफिट गेन करा होगा। फिर हमारे थे नेस्टेक में, तो नेस्टेक भी फॉलो होना स्टार्ट हो, मैंने आपको बोला था कि इसमें भी हम जैसे डाउ जोन्स में जब ब्रेकआउट होगा तो उसमें हम सेल लेंगे, इसका भी नीचे रिट्रेस एरिया जब ब्रेकआउट मिलेगा हमें तब हम सेल इसमें ले सकते हैं, हमें एक अच्छा जबरदस्त प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये थी आप लोग के लिए मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चीज़ें देख के सीख के कुछ समझ में आया होगा और इस चीज़ से आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, जैसे कल की बैंक हॉलीडे की वीडियो में आप लोगों ने करा। और उसके अलावा कॉपी ट्रेडिंग में अल्हम्दुलिल्लाह पाक के एहसान से आज भी कल भी हर दिन जब जब हम कॉपी ट्रेड करते हैं तब तब एक रुपए का लॉस नहीं होता, सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट हर दिन प्रॉफिट होता है और बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। कॉपी ट्रेड में जितने भी लोग हैं बहुत जबरदस्त प्रॉफिट में चल रहे हैं, फीसेस तो सबकी एक दो ट्रेड्स में रिटर्न हो गई थी, अब प्रॉफिट कमा रहे हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।